हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज सुभाष। चलिए देखते हैं कल मार्केट कहाँ मूव कर सकता है, कौन से स्टॉक्स अपडेट कर सकते हो, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था, अगर ये रेंज के ऊपर खुलता है तो ये कंटिन्यू ऊपर जा सकता है। बैंक निफ्टी हम लोग अगर सेल करेंगे 32,800 के नीचे, इसके ऊपर कहीं पर सेल मत करना क्योंकि मार्केट स्लो एंड स्टडी। देखिए जनरली क्या होता है, ट्रेंड के अंदर मार्केट जब नीचे आता है बहुत तेजी से नीचे आता है, जब ये फिर ऊपर जाने का कोशिश करता है ये कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस हिट करते रहता है। तो मार्केट क्या करता है, गैप अप खुला तो यहाँ पे साइडवेज चला जाएगा, फिर फ्लैट खुले तो एक बड़ा मोमेंटम हो जाएगा। तो इस तरीके का एक ट्रेंड चलता रहता है। तो अभी ये सारे सिनेरियो कंटिन्यू चल रहा है। अभी अगर देखेंगे यहां पे एक रेंज था, लास्ट टाइम मैंने आपको बोला था अगर ब्रेकआउट देगा तो एक बड़ा मोमेंटम हो सकता है। अगर हम लोग देखेंगे ऑलमोस्ट 300 से 400 पॉइंट मोमेंटम दे चुका है, लेकिन जो ओवरनाइट गैप अप के कारण हम लोग को ट्रेड नहीं मिल रहा है। तो कल हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे 33,100 के ऊपर कहीं पे खुले और इसी रेंज के अंदर कहीं पे मार्केट खुले। अगर इसी रेंज के अंदर कहीं पे मार्केट खुलेगा तो एक अच्छा मोमेंटम हम लोगों को मिल सकता है। हम लोग सेल कहां पे करेंगे, हम लोग सेल करेंगे 33,000 के नीचे, क्योंकि 33,000 के नीचे ही मार्केट थोड़ा नेगेटिव रहेगा। अगर इसके ऊपर कहीं पे भी खुलता है सबसे बेस्ट प्लेस ये रहेगा 33,100 से लेकर 200, ये रेंज के अंदर अगर खुले तो एक बड़ा मोमेंटम हम लोग को पॉसिबल। कल अगर ये 200 पॉइंट के रेंज के बीच में कहीं पे मार्केट खुलता है तो एक बड़ा मोमेंटम हो सकता है, क्योंकि जो लास्ट 4-5 दिन का मोमेंटम अगर हम लोग देखेंगे मार्केट वोलेटिलिटी है, स्पाइक लगा रहा है ऊपर नीचे, लेकिन कहीं पे ट्रेंड नहीं है। यहां पे भी ट्रेंड नहीं था, फिर यहां पे भी ट्रेंड नहीं है, तो पॉसिबिलिटी आर वेरी हाई कि अगर ये फ्लैट खुलता है तो एक अच्छा मोमेंटम हम लोग को देखने के लिए मिले तो हम लोग रेडी रहेंगे। लेकिन 33,000 के नीचे मार्केट नेगेटिव 100% बन जाएगा, इसी रेंज के अंदर मार्केट स्टिल पॉजिटिव है। तो कल देखते हैं मार्केट कहां पे ओपन होता है, फिर उसी हिसाब से हम लोग ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम लोग निफ्टी 15 मिनट चार्ट्स में देख लेते हैं। कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था 14,800 लेवल आ चुका है, ये धीरे धीरे 15,000 लेवल की तरफ बढ़ेगा क्योंकि वहां पर राउंड लेवल है। कल मार्केट के पास, निफ्टी के पास बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, ये 15,000 के ऊपर इधर क्लोज दे दे, एटलीस्ट इसके ऊपर ट्रेड करे। अगर अभी हम लोग करेंटली देखेंगे, सिंपल हम लोग गैप अप अगर मार्केट खुल जाता है तो हमको लेवल नहीं मिलता है ट्रेड करने के लिए। तो कल हम लोग होप करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी एक रेंज के अंदर खुले, 14,960-70 तक भी खुलेगा तो भी चलेगा, एक अच्छा मोमेंटम हो सकता है। अगर ये रेंज में खुलता है तो एक अच्छा मोमेंटम हो सकता है। तो निफ्टी नेगेटिव कहां पे बनेगा, 14,900 के नीचे ही नेगेटिव बनेगा। अगर इसके नीचे क्लोज देता है, इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। एक 15 मिनट का कैंडल अगर क्लोज करता है 33,000 के नीचे, बैंक निफ्टी अगर 15 मिनट चार्ट क्लोज करता है कैंडल, वहां पे नेगेटिव बन जाएगा और 14,900 इसके ऊपर हम लोग बाई करते चलेगा और ये सारे ट्रेंड लाइन हम लोग फॉलो करते चलेंगे, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन कंटिन्यूसली जा रहा है। जो रेंज ब्रेकआउट हुआ था वहां से ये ट्रेंड लाइन जा रहा है, तो इसको फॉलो करते चलिए। इसको टारगेट बायर्स को एक अच्छा खासा टारगेट आने दीजिए अगर आप सेलिंग के लिए वेट कर रहे हैं, लेकिन ये कंडीशन में ये स्पॉट पे सेलिंग का प्लान मत करो। फ्लैट खुलता है तो अच्छा मोमेंटम हो सकता है, अगर बहुत बड़ा गैप अप खुलता है वेट फॉर ए प्राइस एक्शन। तो चलिए अभी हम लोग स्टॉक देख लेते हैं। पहला स्टॉक है कोटक बैंक, अगर देखेंगे बहुत ही अच्छा एक कंसोलिडेशन फेज रहा है इसका, 1800 के ऊपर क्लोज दे चुका है। 1810 अगर ये कल क्रॉस करता है एक अच्छा मोमेंटम हो सकता है। मार्केट ऊपर जाने का कोशिश कर रहा था लेकिन ये फिर से नीचे आ गया। जैसे मैंने आपको बता रहा था इंडेक्स के ऊपर जब भी एक शार्प सेलिंग आता है, इंडेक्स के अंदर भी शार्प सेलिंग था, जब भी शार्प सेलिंग आता है ये जो फर्स्ट टाइम मोमेंटम करते रहते हैं यहाँ पे, ये फिर ब्रेकआउट दे नहीं पाता, एक अच्छा खासा मोमेंटम हो नहीं पाता बाइंग के साइड। तो जनरली क्या होता है, मार्केट धीरे धीरे गैप अप खुल के धीरे धीरे अपशिफ्ट करता रहता है अपना मोमेंटम। अगर यहाँ पे देखेंगे ये लास्ट टाइम ट्राई किया था फिर नीचे आ गया, अब ये फिर से बायर्स ट्राई कर रहे हैं, तो 1810 के ऊपर ही हम लोग बाय करेंगे। अगर ये लेवल कल अगर 1805 से लेकर 1810 या फिर 1800 से लेकर 1810 के बीच में खुलता है, फिर ये क्रॉस करता है, एक अच्छा मोमेंटम हो सकता है, इसको कल ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है बर्जर पेंट, अगर देखेंगे यहाँ पे भी सिमिलरली एक ब्रेकआउट लेवल है 725 के ऊपर हम लोग बाय कर सकते हैं। एग्जैक्ट लेवल कल मैं आपको टेलीग्राम चैनल बता दूंगा और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये क्यों एक अच्छा मोमेंटम हो सकता है, सिंपल मार्केट नीचे आया, लास्ट स्विंग जहां पे था वहां पे सपोर्ट किया, फर्स्ट टाइम ये ऊपर जाने का कोशिश किया। बार बार मैं बताता हूं जब भी ट्रेंड आता है फर्स्ट पुल बैक में कभी बाय नहीं करना चाहिए, ये जनरली फिर कंटिन्यू होता है। ये फिर नीचे की तरफ आया, अभी ये फिर से क्रॉस कर रहा है। अगर हम लोग देखेंगे प्राइस एक्शन धीरे धीरे डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है, इसका मतलब ये रिकवरी कर रहा है जहां से फॉल हुआ था, और यहाँ पे एक मतलब एक परफेक्ट 700 लेवल के आसपास एक परफेक्ट सपोर्ट भी इसके पास था, तो यहां से ये रिवर्स हो रहा है। तो 725 के ऊपर हम लोग इसको बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है क्यूमिंस इंडिया, इसको स्टिल हम लोग सेल कर सकते हैं। लास्ट टाइम सेलिंग का प्रेशर आया था, फर्स्ट पुल बैक में हम लोग बाय नहीं करेंगे, ये कंटिन्यू अभी नीचे जा रहा है, तो ये डिसाइड करेगा लास्ट स्विंग के आसपास से ये रिवर्स होगा। जो लास्ट स्विंग लगाया था उस समय अराउंड 815 या 820 के आसपास लगाया है, तो हम लोग के पास अच्छा खासा स्पेस है, 7-8 रुपीज, 10 रुपीज का एक स्पेस है, तो यहां पे मोमेंटम हो सकता है। जनरली ये राउंड लेवल
तरफ मार्केट बढ़ता रहता है, अगर ये राउंड लेवल के आसपास आ जाता है तो भी एक अच्छा मोमेंटम हो सकता है। कल हम लोग 827 के नीचे हम लोग इसको सेल करने का सोचेंगे। देखिए मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, तो हम लोग जब भी सेल करने के लिए सोचेंगे ये एक अच्छे प्राइस में ओपन होना चाहिए। कल अगर ये 835 या फिर 840 के आसपास ओपन हो जाता है फिर ये स्टॉक हम लोग को इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि ये फिर बाइंग मोमेंटम बाइंग एरिया में ओपन हो गया। कल अगर ये 825 से लेकर 830 के बीच में 4-5 रुपए ऊपर भी खुले तो भी चलेगा, तब ये क्रॉस करता है, एक अच्छा मोमेंटम हो सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है एसईसी। अगर डेली चार्ट में देखेंगे एक ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन होने का दिख रहा है, तो 1880 के नीचे हम लोग सेल कर सकते हैं। अगर ये 1880 से लेकर 1890 के बीच में खुले और ब्रेकडाउन हुए नीचे की तरफ, तभी हम लोग को सेल करना है, क्योंकि हम लोग अप ट्रेंड में चल रहे हैं, मार्केट स्लो एंड स्टडी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो ये ट्रेंड लाइन क्रॉस होने के बाद ही हम लोग ट्रेड करेंगे। सिंपल, यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन था, यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन था, तो जब भी मार्केट अप ट्रेंड में चलता है अगर आपको सेल करना है तो उसके साथ चलते रहो, ट्रेंड के साथ चलते रहो। जब ये ट्रेंड फिर बेंड होगा तभी हम लोग प्लान करेंगे। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करें फ्रेंड्स। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।